हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं मेरे साथ श्वेता स्टाइल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो फुटवेयर हॉल, जहाँ की मैं आप सबके साथ हील शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाला जो मेरा मीशो फुटवेयर हॉल होने वाला है, ये पार्ट टू होने वाला है। इससे पहले भी मैं आप सबके साथ पार्ट वन शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जल्दी से चेकआउट करें और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को चेक करें, उसमें भी मैंने आप सबके साथ बहुत अच्छे अच्छे हील्स शेयर करे थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जल्दी से चेकआउट करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी अगेन हील्स पे ही होने वाला है। तो मैंने कुछ हील्स लिए हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट जो हील है वो है एक ब्लैक कलर की हील्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई हील्स है, जो कि है कुछ इस टाइप की हील्स। बहुत ज़्यादा अच्छी हील्स है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये वाला जो हील्स है ना, काफ़ी ज़्यादा हाई हील्स है, आप देख सकते हो। इसका जो लेंथ है 5 इंचेस हील्स है। इतनी ऊँची हील्स वैसे तो मैंने पहनी नहीं है, मैं 4 या 4.5 ही पहनती हूँ, उससे ज़्यादा मैंने कभी पहनी नहीं है। एंड मैंने अब लिया है ये 5 इंचेस हील्स, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेके। आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, बेल्ट टाइप में दिया है ताकि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिटेलिंग है, आप देख सकते हो, और कुछ इस टाइप का पैटर्न। इसका पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सिंपल और एलिगेंट है। इस टाइप की हील्स ना आप सूट के साथ पहन सकते हो, साड़ी के साथ पहन सकते हो, साथ ही आप कोई भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एथनिक एंड वेस्टर्न दोनों पर ही आपका काम चल जाएगा। दोनों हील्स कुछ इस टाइप की है, देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। तो गाइस, ये कंफर्टेबल बहुत है। अगर इतनी ऊंची हील्स अगर आप कोई और दूसरे चीज़ में, मतलब दूसरी टाइप की हील्स लेते हो ना, तो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती नहीं है जितनी ये वाली कंफर्टेबल है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें कुछ इस टाइप का पैटर्न दिया है, जहाँ की 1 इंच आपके टो से ही उड़ गया, आपके आगे वाले एरिया से ही 1 इंच उड़ जाता है, तो इस कारण ये कंफर्टेबल है। अगर ये चीज़ ना दिया होता, एकदम फ्लैट दिया होता और हील्स की तरह, तो आपके हिप जो पैर है ना वो एकदम इस तरीके से रहते, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसलिए जो आपको यहाँ पे 1 इंच उठा हुआ मिलता है, तो यहाँ से भी आपके पैर को सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता है आपका पैर, ताकि आपका पैर थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ठीक, एकदम जब ऐसे पैर रहता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने वगैरह में, तो इसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है नहीं। अगर आपको इतनी ज़्यादा हाई हील्स की आदत नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा पेन होगा अपने पैरों पर। अगर आप पहनते हैं हाई हील्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और अगर कुशनिंग की बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुशनिंग नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर थोड़ी कुशनिंग दी गई होती ना, तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है ये वाला हील्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुशनिंग में गड़बड़ी कर रखी है। अगर थोड़ी सी कुशनिंग अगर यहाँ पे होती, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये हील। अगर प्राइस की बात करें, तो उसका जो प्राइस है 775 रुपीज़ में, तो उस अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। एंड पीछे आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है, ताकि कोई भी फिसलने का इशू नहीं है। एंड मुझे ये वाली हील्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक कलर, एक ही ये ब्लैक कलर ही था। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका जो मटेरियल है ना, वेलवेट फिनिश का मटेरियल है, तो इसमें बहुत जल्दी जो धूल है ना वो चिपक जाता है। ये इसमें एक प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, बाकी ठीक है, बाकी ओवरऑल गुड है। और इसमें जो मैंने अपना साइज़ लिया ना, 35 लिया था। वैसे मेरा साइज़ जो है 36 है, पर मैंने इसमें साइज़ चार्ट चेक करा था, मुझे ऐसा लगा था कि ये 35 ही आएगा मुझे, और मैंने 35 लिया और मुझे परफेक्ट आया। मतलब साइज़ मेरा 2 लिया है मैंने इसमें, और मुझे 2 साइज़ ही भेजा। इससे पहले मैं आप सबके साथ जो मीशो हॉल शेयर करा था ना, उसमें मुझे साइज़ की इशू बहुत हुआ था, मुझे एक्सचेंज कर करके अपना साइज़ परफेक्ट साइज़ मिला था। और इस बार मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इस बार मुझे करेक्ट साइज़ के हील्स रिसीव हुए हैं। तो यह इसमें मेरा जो साइज़ है ना, वो मैंने 35 लिया, अपने एक साइज़ से छोटा लिया। तो आप भी अगर लोगे, तो अपना जो साइज़ है उससे एक साइज़ छोटा लेना। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा है, और ये वाली हील्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हील की, जो कि लिया मैंने कॉम्बो में। तो उसमें कॉम्बो में 2 सेट मिला था मुझे, 2 जोड़। तो यह मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, जो फर्स्ट जो हील थी ना, उसमें कुछ इस टाइप की हील्स है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। इसका जो कलर है ना, ये काफ़ी लाइट लेवेंडर कलर है, मतलब लेवेंडर का ही शेड है, काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर है। इसका कलर दिन में बहुत ज़्यादा फेड लग रहा है, और रात को ना इसका कलर लाइट में लेवेंडर कलर लग रहा है। तो कुछ इस टाइप का है ये हील्स,
और ये वाली हील्स ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब जो भी मैं आज हॉल आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट, सब में से अच्छा मुझे यही वाला हील्स लगा। एंड क्यों लगा वो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो इसका बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो इसका पैटर्न जो है ऐसे स्क्वायर वाला पैटर्न है और बाकी इस तरीके से राउंड हील्स है इसका। हील्स जो है इसका 1.5 इंच है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप डेली वेयर के लिए ले सकते हो इसको, ऑफिस वगैरह जो भी जाते हो, कॉलेज वगैरह, तो उसके लिए आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, दिन भर आप इसको वेयर कर सकते हो इजीली। एंड मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा कुशनिंग दिया है, पूरा ऐसे प्रेस हो रहा है। इसका जो कुशन है ना वो यही नहीं पूरे एरिया में दिया है, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे भी पूरे आपके पैर में कुशनिंग दिया गया है। आप अपना पैर इसके अंदर ऐसे डालते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉटन के ऊपर आपने पैर रखा हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड साथ ही गाइज ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मटेरियल का है ना वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इस टाइप की हील्स ना मैंने पहली बार देखी, मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल स्लीपर, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड जो इसका जो हील्स है वो 1.5 इंच है, तो आप इजीली डेली वेयर में इसको पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला हील्स। सो यार, और पीछे इसके ना कोई भी ग्रिप नहीं दी है, कोई भी आपको ग्रिप नहीं मिलती है, तो इससे वैसे तो इतनी छोटी हील्स है क्या ही स्लिप करेगी, और यहाँ पे आपको ग्रिप मिल जाता है इस एरिया में, तो स्लिप का कोई डर नहीं है, इश्यू नहीं है। तो ये वाली हील्स है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसी के साथ एक कॉम्बो में मैंने कॉम्बो वाला सेट था ये, तो एक और आया इसके साथ कुछ इस टाइप की हील्स, ये वाली थोड़ी वेजिस वाली हील्स है, तो इस टाइप की हील्स है ये वाली। एंड जो इसका साइज़ है ये 2.5 इंच है, लगभग 2.5 इंच के आसपास है, और कुछ इस टाइप का इसका पैटर्न है। यहाँ पे ना ऐसे सीक्वेंस का वर्क दिया गया है इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और पीछे आपको पूरी फुल ग्रिप मिल जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसको भी आप इजीली पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये वाली भी। एंड जो इसका प्राइस था वो 650 रुपीज़ का था, तो 650 रुपीज़ में आपको दो हील्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो 650 रुपीज़ के एक ही आपको हील्स मिलती है, उस हिसाब से ना ये वाला सेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। एंड गाइस इसमें जो मैंने अपना साइज़ लिया था ना, 3 साइज़ लिया था, और मुझे इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे 6 क्यों लगाया है, शायद गलती से लगा दिया हो, तो या मुझे ये वाला साइज़ ना बिल्कुल परफेक्ट आया है, और मुझे ये वाली हील्स का सेट ना कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नीचे जो बेल बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप सबसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है श्वेता मल्लिक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हील की, जो कि लिया मैंने 10 कलर में, जो कि है कुछ इस टाइप का, यू कैन सी। तो ये वाला कुछ इस टाइप का आपको पैटर्न मिल जाता है, और कुछ इस टाइप का इसका जो हील्स है ना वो 2.5 इंच के लगभग का है, 2.5 या 2 इंच होगा, इतना ही होगा। और इसमें पीछे जो कोई ग्रिप नहीं दी गई है, इसको मैं पहन चुकी हूँ इसलिए मैं पीछे से नहीं दिखा रही हूँ, और कोई ग्रिप आपको नहीं मिलती है। कुछ आगे से इस तरीके से पैटर्न है इसका, इसे पैटर्न है, और इस तरीके से यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ना बिल्कुल भी कुशनिंग नहीं दी गई है, कंफर्टेबल है पर उतना भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी हील्स पसंद नहीं करते हो, आप नहीं पहनते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है, और जिनको थोड़ी हील्स की आदत है तो उनको लिए ठीक ठाक है ये, और उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। और इसके प्राइस की बात करें तो 600 समथिंग का मैंने इसको लिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, आप चेक कर लेना। और इसको इस तरीके की हील्स ना आप डेली वेयर में पहन सकते हो, ऑफिस में पहन सकते हो, कॉलेज में पहन सकते हो, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पिंक, येलो, ब्लैक, वाइट। मैंने ये 10 कलर में लिया है क्योंकि इस टाइप की हील्स ना बहुत ज़्यादा आउटफिट के साथ मैच कर जाते हैं, तो या मैंने कुछ इस टाइप में लिया है इसको। एंड गाइस ये था मेरा मीशो से लिया हुआ फुटवेयर हॉल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस आपको सारे ही प्रोडक्ट के कोड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।